नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24। मैं हूं अंबुज कुमार और अभी हम हैं सहरसा विधानसभा में और यहां के निर्दलीय प्रत्याशी वीरेंद्र पोदार जी हमारे साथ हैं। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं सहरसा के विकास को लेकर और अन्य मुद्दों पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है मोबाइल न्यूज 24 में और ANI में। धन्यवाद मोबाइल न्यूज 24 का। सर, आपने चुनावी मैदान में आए हैं, तो कैसे लगा आपको चुनावी मैदान में आना चाहिए? आपको क्या मकसद है आपका चुनाव लड़ने का? आज जो सहरसा विधानसभा की स्थिति है, सहरसा विधानसभा 75 की मैं बात करूँ, तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ है ओवरब्रिज का, जिसके कारण आए दिन जब भी ढाला गिरता है तो कम से कम 30 मिनट्स का वहाँ ब्रेक होता है और एम्बुलेंस तक को वहाँ रुकना पड़ता है। तो इस वजह से सबसे बड़ी मुद्दा ये है और सड़क की स्थिति हमारे शहर में अच्छी नहीं है। स्टेशन के जस्ट बगल में रिफ्यूजी कॉलोनी की स्थिति की बात करूं या फिर खुद बंगाली बाजार की, जहां मैंने ढाले की बात करी थी, ओवरब्रिज की बात करी थी, वहां का स्थिति आज भी जर्जर पड़ा हुआ है। पिछले कई वर्षों से कई नेता इस क्षेत्र में अपना काम कर रहे हैं, लेकिन सहरसा की पृष्ठभूमि पर जमीन पर काम होता नहीं दिख रहा। इस वजह से मुझे लगा, साथ ही बेरोजगारों की अगर मैं बात करूं तो 1975 में 1975 में जो पेपर मिल का जो है सो निर्माण हुआ था, जो आज तक बैजनाथपुर पेपर मिल की बात कर रहा हूँ, तो वो आज तक यूं का यूं पड़ा हुआ है। अगर हमारे यहाँ का पेपर मिल चालू रहा होता तो आज हमारे लाखों युवा वहाँ पे काम कर रहे होते। इसके बाद शहर में आए दिन कई घटनाओं का देखने को मिलता है। इस घटना क्रम में जो है सो अगर हमारे शहर में CCTV कैमरा हो तो उससे कई बहुत हद तक जो है सो आपराधिक मामला कम हो सकता है। इसके बाद आए दिन हम ये भी देखते हैं कि बच्चियां जहां स्कूल जाती हैं तो बच्चियों की सुरक्षा के लिए कुछ दिख नहीं रहा। अगर बच्चियों की सुरक्षा के लिए हमारी सरकार, हमारी व्यक्तिगत मांग भी है कि स्कूल और कॉलेज, जहां गर्ल्स स्कूल है और कॉलेज है, वहां अगर 500 मीटर की दूरी पे महिला कर्मी की व्यवस्था हो, महिला सुरक्षा कर्मी की व्यवस्था हो, तो शायद आए दिन जो छेड़छाड़ का मामला हमारे यहां आते रहता है वो मामला नहीं। सर, प्रशासन व्यवस्था भी काफी दयनीय है और जहां तक मैं बात करता हूं सहरसा की, तो सहरसा में जल जमाव की स्थिति, जाम की स्थिति भी काफी हद तक है। क्या कहना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल, मैं इस जगह पर सरकार और अब जो पुराने हमारे MP हैं, MLAs हैं, उनको इस चीज की संज्ञान लेनी चाहिए थी, उन्होंने संज्ञान नहीं लिया। इस वजह से मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में वीरेंद्र पोदार खुद से खड़ा होता हूँ और हमारे अपने कई मुद्दे हैं जिस मुद्दों को मैं जनता के सामने जा कर रख रहा हूँ और उनसे रूबरू करवा रहा हूँ। आज हमारे शहर में जाम की समस्या, बेरोजगारी की समस्या, बेटियों की सुरक्षा की समस्या और ओवरब्रिज का मामला जो हमारा है वह सबसे बड़ा मुद्दा है। और एक और भी मुद्दा है, जो अभी हमारे यहाँ एम्स का मामला चल रहा था और हम नीतीश कुमार ने वो एम्स यहाँ, जबकि सहरसा के लिए जो भूमि चाहिए थी, एम्स का जो मापदंड होता है वो मापदंड हमारे सहरसा वालों ने पूरा कर चुका था, उसके बावजूद भी हमारे सहरसा से एम्स को उठाकर दरभंगा दिया गया, जो सहरसा के लोगों के लिए बहुत ही चिंतनीय और दुखनीय बात है। जैसे कि हमारे यहाँ के लोग, आज लाखों लोग उससे रोजगार से जुड़ पाते, अगर हमारे यहाँ एम्स होता तो स्मार्ट सिटी बनता और उससे कई विकास की धाराएं बह सकती थी। सहरसा से राजनीति तो लोग शुरू करते हैं, लेकिन सहरसा आज भी हमारा यूं का यूं पड़ा हुआ है। यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ नहीं है। एक जगह से अगर हम दूसरे जगह बच्चों की बात करें तो हमारे सहरसा का बच्चा यूनिवर्सिटी जाने के लिए आज 200 रुपए का उसको खर्च करना पड़ता है, जो साधारण और आम विद्यार्थी के लिए 200 रुपया आज बहुत बड़ा मायने रखता है। मैं गरीबों के लिए काम करना चाहूंगा, मैं उन लोगों तक के लिए काम करना चाहूंगा जो सबसे नीचे और दबे। क्या उम्मीद लगाए हुए हैं आप सहरसा की जनता से चुनाव को लेकर? हमें लग रहा है कि सहरसा की जनता ने हमें चाहा है और सहरसा की जनता के प्यार की वजह से ही मैं इस बार जो है सो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में खड़ा हुआ हूँ, उन लोगों के कहने पे हुआ हूँ और हमें पूरा आशीर्वाद सहरसा की जनता की मिलेगी, हमें पूरा विश्वास है और हम भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। सर, इस क्षेत्र में जो है किसानों की स्थिति की अगर मैं बात करूं तो काफी दयनीय है। आप देखे होंगे बाढ़ के समय में जो किसान ऋण लेकर फसल लगाए हुए थे, सभी का फसल नष्ट हो गया है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों के लिए आप? अभी सबसे बड़ी मुद्दा ये है कि किसान की अगर मैं बात करूं तो किसान के, हमारे सबसे बड़ी बात है कि हम कोसी इलाके से आते हैं, आप हमारा कोसी इलाका है और कोसी इलाके में हम ऐसा देख रहे हैं कि अभी भी जो 6 महीने का फसल होता है और 6 महीने के बाद का फसल नहीं होता है, हमारा उसमें 70% इलाका कोसी में आता है। इस वजह से हमारे किसान हमेशा त्रस्त रहते हैं और किसान को सही समय पर मुआवजा सरकार के द्वारा नहीं मिल पाती है। हमारा किसान
अभी हमेशा भूखे हाल में रहता है, फटे हाल में होता है, किसी तरीके से वो अपना अन्न जो है सो लगाता है, बोता है, लेकिन उसको सही तरीके से उपजाऊ नहीं मिल पाता, उसको सही तरीके से सरकारी सुविधाएं नहीं मिल पाती। जनता अगर आपको आशीर्वाद प्रदान करती है सहरसा विधानसभा से, तो किस तरह से सहरसा विधानसभा का विकास करेंगे? अगर सहरसा विधानसभा की जनता हमें आशीर्वाद देती है, अगर मैं जीतता हूँ, तो सर्वप्रथम हमारा मुद्दा रहेगा सहरसा में ओवरब्रिज जो है सो बनवाना। चाहे जिस भी स्थिति में हो, उसके लिए अगर मुझे अपनी बलि चढ़ानी पड़े तो मैं बलि भी चढ़ाकर सहरसा में ओवरब्रिज का निर्माण करूंगा। आपके सामने सर बहुत सारे नेता हैं, बहुत सारे प्रत्याशी हैं, इसे वीरेंद्र जी अपने आप को कहां देखते हैं? सर नेता बहुत सारे हैं, आपने सही कहा, लेकिन एक्चुअली है क्या, जो अभी जो जितने सारे नेता हैं, वो जो भी नेता हमारे बीच आए हैं या जो भी नेता खड़े हैं, मैं सबों की बात नहीं करता, मैं और भी जो जीते हुए नेता मैं उनकी बात करता। पिछले 15 साल बनाम 15 साल की बात अगर मैं करूं, 15 साल अगर बात करूं मैं बप्पा की और 15 साल बात करूं चचा की, तो इस 15 साल में सहरसा की विकास 30 वर्ष में पिछले दिनों कहीं कुछ नहीं हुआ है। इस पृष्ठभूमि को आम जनता समझ रही है, आम जनता के सामने है और आम जनता उसका रिजल्ट देने को तैयार है। इसी वजह से मुझे खड़ा किया गया है, आम जनता के प्यार के वजह से ही मैं आज आपके बीच हूँ। आप अपने युवा कार्यकर्ताओं के लिए, युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं युवाओं के लिए ये कहना चाहूंगा कि सर्वप्रथम अगर मैं जीतता हूँ तो आपके लिए जो सरकारी योजना की जो रोजगारें हैं, रिक्त सीटें हैं, मैं उसको भरूंगा। साथ ही अगर वो सरकारी योजना के अलावे से भी हमारा पूर्णतः रोजगार हम युवाओं को नहीं दे सकते, इसके लिए स्वरोजगार की योजनाएं मैं उनको प्रदान करवाऊंगा। कई तरीके की योजनाएं हो सकती हैं, कई तरीके की बातें हो सकती है, जिससे कि हमारा युवा जो है स्वरोजगार से जुड़ सकता है। तो अभी हम बात कर रहे थे वीरेंद्र जी से और इनका कहना है सहरसा की स्थिति काफी दयनीय है, जनता देख रही हो है और इस बार नया चेहरा चाहती है जनता। देखते रहे मोबाइल न्यूज 24, मैं हूं मुस्कान, धन्यवाद।